नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसपीआई क्लर्क में 2016 से लेकर 2020 तक प्रीलिम्स और मेंस में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, क्वांट के जो भी क्वेश्चन पूछे गए, उनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक को अभी आपको तैयार करना चाहिए और कैसे अपने तैयारी को आप आसान बना सकते हैं क्वांट सेक्शन के लिए। अगर बाकी सेक्शन का भी आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस सेक्शन का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि क्वांट में प्रीलिम्स में क्या पूछा गया और मेंस में क्या पूछा गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में नंबर सीरीज के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वांट में, ठीक है। नंबर सीरीज के अगर 16 में हम बात करें तो नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 16 में मिसिंग नंबर सीरीज पूछा गया था और 18 में मिसिंग नंबर पूछा गया था आपसे। 18 में रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया था, बट 16 में आपसे पूछा गया था मिसिंग नंबर सीरीज। तो आपको मिसिंग भी देखना है, रॉन्ग भी देखना है, क्योंकि नंबर सीरीज इन चारों साल में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिएगा, केवल 2019 में पूछा गया था और किसी भी ईयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा नहीं गया है, क्योंकि एसबीआई क्या करता है ना कि अपने हर एक शिफ्ट को अलग करता है। तो किसी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक पूछेगा, किसी शिफ्ट में नहीं पूछेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को देख के जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन के बारे में, तो सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन 2016 में पूछे गए थे, 7 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन 2019 में पूछे गया था और 20 में भी 10 क्वेश्चन, मतलब सिंप्लीफिकेशन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर हम बात करें यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बारे में, तो 2018 में अप्रोक्सीमेट वैल्यू के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जा सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू के क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट करके क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का बनाया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, तो डीआई देखिए 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। केवल अगर आप देखेंगे कैसलेट डीआई जो होता है, कैसलेट डीआई ये जो होता है, ये आपसे 5 नंबर का पूछा गया था 2019 में और 2020 में। तो इस बार भी आपसे कैसलेट डीआई 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब डीआई को 10 या 15 भी किया जा सकता है, 10 क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि 35 नंबर का यहाँ डीआई पूछा जाएगा, मतलब 35 नंबर का मैथ से क्वांट पूछा जाएगा, इसलिए 10 नंबर के मैक्सिमम डीआई पूछे जा सकते हैं। क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 मेंस में पूछा जाता है, बट यहाँ भी पूछा गया है 2019 में 5 नंबर का, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो भी टॉपिक यहाँ पे मैंने बताया, ये प्रीलिम्स के लिए आपको तैयार करके जाना चाहिए, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और सभी को इक्वल वेटेज दीजिएगा, क्योंकि सभी का इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसबीआई क्या करता है, हर बार कुछ ना कुछ नया लेके आता है, तो कम से कम इतना तो आपको तैयार करना ही होगा, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स में इतना ही पूछा गया था, अब हम बात करते हैं मेंस में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा जाएगा, मिसिंग बहुत कम चांस है कि मिसिंग पूछा जाएगा, अगर मिसिंग भी पूछा जाएगा तो डबल मिसिंग पूछा जाएगा, सिंगल मिसिंग नहीं पूछा जाएगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 2016 में 5 क्वेश्चन, 2019 में 7 क्वेश्चन और किसी भी ईयर में ये जो सीरीज है ना, नंबर सीरीज, ये पूछा नहीं गया है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखेंगे तो 2015, 2016, 2018 उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं पूछा गया। सिंप्लीफिकेशन केवल 2016 में पूछा गया था, उसके बाद कभी नहीं पूछा गया। अप्रोक्सीमेशन जो है, अप्रोक्सीमेशन 2016 में पूछा गया, उसके बाद कभी नहीं पूछा गया। डीआई देखिए कितना ग्राफ है, तेजी से ऊपर जा रहा है। पहला 2016 में केवल 10 क्वेश्चन पूछे गए डीआई के, उसके बाद 2018 में 25 से 27 क्वेश्चन पूछे गए थे डीआई के, 27 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2019 में 19 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2020 में 25 क्वेश्चन, मतलब इस बार भी 20 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब डीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। अगर आपको मेंस निकालना है तो डीआई अच्छे से करके जाना होगा। डेटा सफिशेंसी 5 क्वेश्चन 2016 में, डेटा सफिशेंसी 5 क्वेश्चन 2016 में, उसके बाद आप देखेंगे डेटा सफिशिएंसी 2018 में देखेंगे तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से तीन ही क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। उसके बाद 2019 में 6 क्वेश्चन और 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी इस बार आपको देखने को मिल सकता है क्वांटिटी 1 के जगह पे, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 के जगह पे डीआई आपको देखने को मिल सकता है। वर्ड प्रॉब्लम तो दोस्तों हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों में पूछा जाएगा, लेवल केवल हाई होगा और इसमें आपको इसमें हो सकता है कि आपको ज्योग्राफी से नहीं सॉरी ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैथ्स में सभी टॉपिक को देख लीजिएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे मेंसुरेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वर्ड प्रॉब्लम 15 नंबर का यहाँ पूछा गया 2016 में
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2018 में 10 नंबर का पूछा गया था वर्ड प्रॉब्लम, उसके बाद 2019 में 18 नंबर का और 2020 में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे वर्ड प्रॉब्लम से। तो डीआई और वर्ड प्रॉब्लम दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे केवल 2020 में और कभी भी नहीं पूछा गया। तो इस बार मुझे लगता है कि और कैसे डीआई जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। तो डीआई में ये भी शामिल होगा 25 क्वेश्चन में या 27 क्वेश्चन में ये भी शामिल है। तो कैसलर डीआई को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके मेंस के एग्जाम में 100% आने वाला है। तो इस बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए तो आपको डीआई बहुत अच्छे से देखना होगा और वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से देखना होगा। ये दोनों अगर आप अच्छे से देख लिए तो 45 नंबर तो फिक्स है कि यही से पूछा जाएगा। बाकी कुछ भी दिया जा सकता है, डेटा सफिशेंसी या क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू में से दिया जा सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि बाकी सब टॉपिक आपको कवर किया जाएगा, सिर्फ दो टॉपिक से ही आपका पूरा का पूरा मेंस का एग्जाम क्लियर हो सकता है। ठीक है, अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि हम इन सब टॉपिक को नहीं बनाएंगे एग्जाम में, इन सब टॉपिक की तैयारी नहीं करेंगे जो हार्ड टॉपिक है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस हिसाब से आप को एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल होगा। आपको अगर एग्जाम निकालना है तो सभी टॉपिक को कवर करना होगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करना होगा और अपने ऊपर विश्वास रखना होगा उन सब टॉपिक को लेके। तो मैथ्स में फिलहाल इतना ही टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इन सब टॉपिक को आप लोग अच्छे अच्छे से देख लीजिए। यहाँ मैंने पिछले 4 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं 2016 से लेकर 2020 तक के सभी एग्जाम को यहाँ पर मैंने कवर किया है। ठीक है ना, क्योंकि 2016 में पहली बार एसबीआई क्लर्क के का प्रीलिम्स हुआ था, उसके बाद मेंस हुआ था। इससे पहले हमेशा मेंस का एग्जाम होता था, तो यहाँ से लेवल चेंज होना स्टार्ट हुआ और एसबीआई ने ही सबसे पहले चेंज किया था। प्रीलिम्स का एग्जाम एसबीआई ने ही सबसे पहले लिया था। तो एसबीआई चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, अपने पैटर्न को हमेशा अपडेट करता है एसबीआई और इसी को फॉलो करते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्जाम बहुत जल्द होने वाला, तो तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। और मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग को प्रीलिम्स निकालना है तो कम से कम 25 क्वेश्चन मैथ्स में सही सही बनाने होंगे। मैं आपको बोलूँगा कि 25 से 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन अगर आप सही बनाते हैं, 28 क्वेश्चन मैथ्स में 28 क्वेश्चन रीजनिंग में, दोनों मिला के 55 या 56 नंबर लेके आते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन होगा जनरल कैटेगरी से आप 100% क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि एक्यूरेसी का भी मार्क्स मिलता है, नॉर्मलाइजेशन का भी मार्क्स मिलेगा और क्वेश्चन का लेवल उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर आप अच्छे से एग्जाम देते हैं तो अच्छे से क्वेश्चन का सिलेक्शन करके बनाते हैं तो आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स मेंस में मैंने बता दिया कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन सब टॉपिक को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।